रोहतक में कोरोना वायरस के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिले के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है और जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया है। 2 सप्ताह तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। एडवोकेट राजवीर कश्यप और संदीप कुमार की ओर से याचिका लगाई गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अब अदालत की ओर से प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। याचिका ये लगाई गई थी जिस पर अदालत की ओर से सुनवाई की गई और सुनवाई करते वक्त ही ये आदेश, ये फैसला अदालत की ओर से सुनाया गया है। तो हरियाणा में कोरोना को महामारी घोषित किया जा चुका है। गुरुवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी। हालांकि देशभर में भी कोरोना को महामारी घोषित किया गया और WHO की ओर से भी महामारी दरअसल घोषित किया गया था। उसके बाद हरियाणा देश का पहला राज्य बना जहां कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि रोहतक में कोरोना वायरस के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, प्राइमरी स्कूल बंद रखेंगे, ये अदालत की ओर से आदेश दिया गया है। एक याचिका पर सुनवाई करते वक्त ये आदेश अदालत की ओर से दिया गया। तो चलिए सीधे इस खबर पर आपको लिए चलते हैं रोहतक, जहां से हमारे संवाददाता देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए याचिका लगाई जाती है, उसके बाद फैसला ये आता है कि प्राइमरी स्कूल बंद रखेंगे, क्या ये याचिका लगाई गई थी और क्या कुछ हुआ बताइए। देखिए ज्योति, 9 मार्च को ये याचिका रोहतक कोर्ट में लगाई गई थी और इसको लगाने वाले 2 वकील हैं रोहतक के, एक हैं राजवीर कश्यप और दूसरे हैं संदीप सिंह। इन दोनों ने ये 9 मार्च को ये याचिका रोहतक की कोर्ट में लगाई थी, सिविल कोर्ट जो है। और इनका जो कहना था, इनका ये कहना था कि ये महामारी का रूप ले चुकी है, पूरे विश्व में कई देशों में कोरोना के केसेस पॉजिटिव आए हैं और काफ़ी जो डेथ का जो आंकड़ा है वो भी चाइना समेत कई जगहों का उदाहरण भी दिया गया है। और इंडिया में जिस ढंग से मामले सामने आ रहे हैं, सस्पेक्टेड केसेस सामने आ रहे हैं, उन सबका हवाला देते हुए याचिका लगाई गई थी। कहा गया था क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों का भी हवाला दिया गया और ये बताया गया कि छोटे बच्चों की इम्यून सिस्टम है उतना मजबूत नहीं होता है जितना बड़े इंसान का, बड़े आदमी का होता है। तो ऐसे में छोटे बच्चों की प्राइमरी लेवल पे जो स्टडी करते हैं उनकी छुट्टी कर दी जानी चाहिए, उनका कहना था जी। तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं रोहतक जिले के, 2 हफ्ते के लिए उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं जी। देवेंद्र, देखिए ये तो अदालत का फैसला है, याचिका लगाए जाने के बाद अदालत की ओर से फैसला लिया गया। अब जबकि हरियाणा में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है, रोहतक में तैयारियां क्या कुछ हैं स्वास्थ्य विभाग की? देखिए तैयारियों की जहाँ तक बात है ज्योति, तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तो PGI है जिसमें आधे हरियाणा के लोग OPD आती है, 7,000 से 8,000 की OPD रूटीन में रहती है। वहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में भी एक आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाया गया है। और जहाँ तक तैयारियों की है तो PGI में अच्छी तैयारियाँ हैं, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की एक सेपरेट अलग से टीम रहती है जो 24x7 टाइम पर उपलब्ध रहती है। अभी तक 2 सस्पेक्टेड केसेस यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन खास बात यह कि दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं बताई जा रही। चलिए देवेंद्र, देखिए इसके साथ चूंकि महामारी घोषित किया गया है कोरोना को, तो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखें, तैयारी रखें। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति क्या है वो भी बताइए। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है रोहतक में, काफी अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, और उनको सिविल सर्जन की तरफ से, CMO की तरफ से सख्त हिदायतें दी गई हैं कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड केस ऐसा आता है तो तुरंत उसकी जानकारी वो सरकारी सिस्टम जो है वो CMO ऑफिस है, सिविल सर्जन ऑफिस, उसके साझा की जाए। और इसके अलावा PGI में भी तुरंत उनकी सूचना दी जाए। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आ पाया है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए देवेंद्र। तो रोहतक से आपको बड़ी खबर बताई और बड़ी खबर ये कि 9 मार्च को रोहतक की जिला अदालत में याचिका लगाई गई थी। 2 वकीलों की ओर से याचिका लगाई गई कि जिस तरह से कोरोना वायरस फिलहाल महामारी बनता नजर आ रहा है, भीड़भाड़ वाली जगहों पर खासतौर पर बच्चे ना जाएं, ये वाकई जरूरी हो जाता है। याचिका पर अदालत की ओर से सुनवाई की गई। अगले 2 हफ्ते तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे रोहतक में, ये फैसला अदालत की ओर से दिया गया।